बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे बातें करना, क्या हुआ कैसे हुआ क्या पता, खुद से क्यों बातें करती जाने मन। देखे मर मर जाए निमाए, मेरे लिए तो गैर सारे छोड़ा है तूने किसके सहारे, सारी फिरनी आपने उनके लिए बनाई है? हे बावली, क्या उनके लिए क्यों बनाई? वो बारी आया है ना। कैसे हो? जैसा नजर आ रहा हूं। 6 साल के बाद मिल रही हूं, बहुत इंतजार किया है मैंने। खालस रात के 9:30 बजे, हेमन अभी तक घर नहीं आई। नानी के दिल के वॉल्स बंद, मुझे ऐसा लगता है कि नानी मर जाएंगे। जोया तुम पागल हो गई हो, एमन और उसकी नानी हमारे घर में रहेंगे, हमारे पास जगह कहाँ है? आपके कमरे में। मेरे कमरे में? You've gone crazy। ठीक है, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना, दादी से पूछ लेते हैं। एमन आप ही आपके ही कमरे में रहेंगी? हम उन्हें बाहर वाले कमरे में तो नहीं छोड़ सकते ना, वो भी तो बहन है ना आपकी। मैं खुद दादी से बात करती हूँ। उफ़ो, किस लिए उलझ रहे हो बेटा? कॉम्प्लेक्स क्या है तुम्हारा आखिर उन लोगों के साथ? अगर वो मां बेटी यहां पर आ जाती हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? पहाड़ टूट पड़ेगा, खा जाएंगे हमें, हैं? बताओ मुझे। मां, मैंने शादी के वक्त ये कंडीशन रखी थी कि वो मेरे साथ नहीं रहेंगे। उफ़ मेरे खुदा। अरे बेटा, अब तो एमन और समरीन की शादी की उम्र आ गई, भूल जाओ ना उन बातों को। देखो मेरा बच्चा, हालात के साथ साथ वक्त के तकाजे बदलते रहते हैं। अगर तुम ये चाहते हो ना कि एमन की शादी जल्दी हो जाए, तो उसको और उसकी नानी को यहाँ आ जाने दो। इसके अलावा कोई हल नहीं है इसका, मैं बता रही हूँ तुम्हें। अरे भाई, शादी हो, अपनी नानी को ले और जाए यहाँ से। मैं तो कहती हूँ उसकी मंगनी करो, और जो सबसे पहले मुनासिब तारीख तुम्हें नजर आए रुख्सत कर दो। और फिर सबसे बड़ी बात, जब वो यहाँ पर रह रहे होंगे ना, तो ये जो मेहताब का रोज रोज का आना जाना, इससे भी तुम्हारी जान छूट जाएगी। समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो तुम? क्या कहते हैं डॉक्टर्स? कुछ मेडिसिन बदली है। कैसी मेडिसिन है कि उठ के नहीं दे रही? मैं हूं ना, अभी इनका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करूंगा। जो कुछ भी किया है तुमने अब तक, उसका शुक्रिया बहुत बहुत। लेकिन अब तो मैं अम्मा को अपने साथ रखूंगी, ले जा रही हूँ। परेशानी होना नानी, तुम मत करना। नहीं ना प्यारी, प्लीज नानो, मुझे मम्मा के पास ले जा। निमाए निमाए नानो, मुझे जा रही है।
क्यों? आपकी मर्जी। अच्छा सुनो, मुझे सोया को पिक करना है, जल्दी में हूं। कुछ एमन भी आती होगी, तुम कुछ देर ठहर जाओगे? खुदा हाफिज। घंटा हो गया, शिफ्ट हो रही हो तो? अम्मी का ख्याल है, मैं यहां पे सेफ नहीं हूं। क्यों, तुम्हारी अपनी कोई राय नहीं है? बड़े हैं वो। वो कब से बड़े हो गए? 8 बरस से तो कोई ताल्लुक नहीं रखा। जब तुम्हें हिफाजत की जरूरत थी वो तब वो तुम्हारे पास नहीं थे। लेकिन अब उनको फिक्र है मेरी। क्यों, अब तुम स्पेशल हो गई हो क्या? तुमको नहीं लगती? इधर देखो, कुछ खास नहीं, तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़की है, मुड़के नहीं देखता था। मैंने ये कब कहा कि मैं खूबसूरत हूं? मेरी अम्मी को लगता है कि इलाका मेरे लिए सेफ नहीं है। अम्मी बदल गई हैं। वो तो उसी दिन बदल गई थी जब उन्होंने दूसरी शादी की। डॉक्टर्स का तो दिल बड़ा नरम होता है बारी। सिर्फ मरीजों के लिए। मेरा दिल नरम है, मैं चाहूं तो आज ही बदला ले सकती हूँ। लेकिन मैं माफ नहीं कर सकता। बारी, मुझे लगा था कि इतना ऐसा दूर है कि हम सबसे तुम्हारा दिल नरम हो गया होगा, लेकिन नहीं हुआ। और मैं समझा कि अपनी मां की खुदगर्जी देखकर तुम में अकल आ गई होगी, लेकिन नहीं है। पता है तुम्हें, बहुत मायूसी हुई तुमसे मिलकर। मुझे भी। तुम सभी ज्यादा खूबसूरत लड़की है, मुड़के नहीं देखता था। मैंने ये कब कहा कि मैं खूबसूरत हूँ? अम्मी बदल गई हैं। वो तो उसी दिन बदल गई थी जब उन्होंने दूसरी शादी की। बारी, मुझे लगा था कि इतना ऐसा दूर है कि तुम्हारा दिल नरम हो गया होगा, लेकिन नहीं। और मैं समझा कि अपनी माँ की खुदगर्जी देखकर तुम में अकल आ गई होगी, लेकिन नहीं। पता है तुम, बहुत मायूसी हुई तुमसे मिलकर। नानी, एक बात तो बताएं। पूछो। क्या मेरी शक्ल बहुत मामूली है? किसने कहा? किसी ने नहीं। पता नहीं उन लोगों का रवैया कैसा होगा। मेहताब तो बहुत प्यार से मिलती है। नानी, आपको नहीं पता,
हम दोनों के लिए खास तौर पे कमरा तैयार किया उन लोगों ने, और जोया बता रही थी कि बड़े प्यार से सजाया है, तो फिर रवैया भी अच्छा होगा। मेहताब ले जाना चाहती है एमन को साथ, पारी को हजम नहीं हो रही है ये बात, क्या मेहताब ले जाएगी एमन को? ब्रेक के बाद। बीबी, आपका कमरा बाहर है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ, आए। बहुत शौक था ना तुम्हें यहाँ आने का। इधर आपकी जरूरत के लिए सब चीजें रखी हुई है। हाँ हाँ, नजर आ रहा है हमें, बस जाओ। देखो तो जरा, नौकरों के साथ वाला कमरा दिया है हमें, ये इज्जत अफजाई हुई है हमारी, और कोई आया भी नहीं पूछने। नानी, बच्चे तो सुन गए होंगे, और फिर आप अम्मी की मजबूरी को तो समझती है ना। हाँ, बहुत अच्छी तरह समझती हूँ तुम्हारी माँ की मजबूरी को। हाँ। शुक्रिया बेटा। थैंक यू। आओ आओ, जीती रहो मेरी जान, जीती रहो। सिद्दीका सो गई है क्या? जी, वो नजीराबाजी उनके पास ही हैं। अम्मी ने कहा था कि आपको मेडिसिन दे दूं। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल। थैंक यू मेरा बेटा, जीती रहो, जीती रहो, खुश रहो। ओके दादी, अल्लाह हाफिज। एमना पा, आप मेरे साथ सोइएगा। नहीं, आप मेरे साथ सोइएगा। कैन यू गाइस प्लीज बी क्वाइट। मैं समरीन के कमरे में सोऊंगी। आर यू श्योर? अम्मी ने कहा है। सो लकी समरीन आप ही। एमन बेटा, बहुत काम हो गए, चलो सो जाओ आप ही जाकर। हारिस, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। और तुम्हें तो सब पता है। सब पता है मुझे। अच्छा, क्या क्या पता? जो तुम्हें नहीं पता। तुम क्या कर रही हो? हैंग ऑन हारिस। एमन,
तुम चुप करके सो नहीं सकती? अगर यहाँ की एक भी बात रूम के बाहर गई ना, बहुत बुरा होगा। आई एम वार्निंग यू। अजीब सी स्मेल आ रही है, तो कहीं सिगरेट तो नहीं पी रही? That's none of your concern. तुम्हें पता है सिगरेट पीने से लंग्स कैंसर हो जाता है? मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, चुप करके सो जाओ। सो ना। हेलो। क्या हुआ? कौन था? अरे कोई नहीं यार। हाँ तो हम कहाँ थे? हम उनसे कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तुमने मुझे मिस किया? एमन ठीक से नींद आई तुम्हें रात को बेटा? जी मुझसे पूछ लिया करें मुझे नींद आई या नहीं। अरे सोती कब हो तुम? सारी रात तो स्काइप करती रहती हो। दीदी आज मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। क्यों? मेरे जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा है और सारी रात एमन बीबी के नानी ने जगाया है। कसम से चक्कर आ रहे हैं। लेकिन नानी तो रात भर सोती नहीं है। नजीरा हमारे घर 20 साल से काम कर रही है, वो झूठ नहीं कहती। तुम खाना पका लेना, बहुत काम की हो। हाँ हाँ मैं पका लूंगी। मैं नानी को देखा हूँ जरा। कैसी बातें करती हो तुम बेटा? इतना मासूम ना समझें आप उसको। शक्ल पे नहीं जाएं, हमारी समरीन बीबी जैसी नहीं है, भोला नहीं समझ लेना इसको। अच्छा चलो बस ठीक है, ज्यादा बातें ना बनाओ। मैं ताप के उठने से पहले पहले जाके कुछ पका दो, खालिद का हाफ डे है आज। जाओ एमन को बोलो खाना पकाए। नानी मैं ना अब सोच रही हूँ कि अब मैं आपके साथ सोया करूंगी। क्यों? समरीन ने कुछ कहा? बदतमीजी की क्या? नहीं बस ऐसे। रात को ये प्यास लगी है मगर कोई गिलास पकड़ाने वाला नहीं पानी का। भाई हम तो अपने घर में ही भले थे। मेहताब क्या कर रही है? सो रही होगी? जी सो रही है वो। बड़ी बेगम ने बुलाया है अमन बीबी को। क्यों क्यों बुलाया? आज खाना एमन बीबी बनाएगी अम्मा जी। और तुम क्या करोगी? बड़ी बेगम साहब का आर्डर है, आप उनसे जाके बात करें। मैंने सामान निकाल दिया है, खाना बना देना। मेरी लड़की काम वाली नहीं है। अच्छा ठीक है नजीरा बाजी आप जाए। नानी आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? कोई बात नहीं, एक आधे दिन से क्या फर्क पड़ जाएगा, और दवाई खाए। अरे वो सब ऐश करें और तुम अकेली काम करती रहो, अंधेर है क्या? अच्छा ठीक है ना नानी, गुस्सा मत किया करें आप। बस पहले आपका बीपी इतना हाई रहता है। अच्छा तुम भी खा लो। नहीं मैं नानी के साथ खा लूंगी। मिर्चें कम डाला करो। जी मेहताब वो ड्राइंग रूम के पर्दे धुलने के लिए दे। ईमन है ना? आईफोन मॉडल। पर्दे बहुत बड़े हैं, शाम तक लग जाने चाहिए, मेरे मेहमान आ रहे हैं। जी अच्छा। समरीन नहीं आ रही हरकतों से बाज, हुक्म दिया एमन को छुपाए इसका राज। ब्रेक के बाद
तो यह हिस्सा मिला है तुम्हें अपनी माँ के महल का। कहाँ है वो? अंदर है। तुम्हें मालूम है मैं यहाँ क्यों आता हूँ? क्यों? तुमने अपनी माँ के कहने से सर्वेंट क्वार्टर में रहना मंजूर कर लिया। सर्वेंट क्वार्टर नहीं है ये, घर का पुराना वाला हिस्सा है। अच्छा, तो ये बराबर वाले कमरे में कौन? बराबर में नजीरा बाजी रहती है। कौन है नजीरा बाजी? कल किसी नौकर से भी शादी करवा देंगी, लेकिन तुम्हें परवाह नहीं होगी क्योंकि तुम्हें अपनी अहमियत का एहसास नहीं। हेमन, मैंने तुमको अकेले होते देखा और गम को कतरा कतरा पीते हुए देखा है, लेकिन तुमने ना मुझे ना मेरी मोहब्बत को कभी देखा ना ही समझा। मेरे अलावा तुम्हारी तन्हाई को ना कोई देख सकता है ना कोई समझ सकता। But simply you don't care. तो क्यों लड़ते थे मुझसे? क्यों मेरा इत्बार नहीं करते थे? एक मिनट, ये देखो, देखो तो सही, ये 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 सब उस हर लम्हे का हिसाब है जो मैंने तुम्हारी याद में गुजारा है। एमन, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी 20 साल की तरबियत पर पानी ना फेर देना। नानी, ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझ रही हैं। बारी को क्यों बुलाया था तुमने? मैंने नहीं बुलाया था, शायद अम्मी ने बुलाया। इधर आ। बैठो यहाँ। तुम्हें पसंद है वो? देखो, वो कोई खेल तो नहीं खेल रहा ना? अगर ऐसा है तो मैं कर्नल साहब से कह के। नहीं नानी, वो सीरियस है। नानी, आप तो बारी को बचपन से जानती हैं, वो ऐसा नहीं है। अगर ऐसी बात है, वो रिश्ता भिजवा देता है तो ठीक है, वरना इमरान का रिश्ता तो है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात को?
हेमन जी नानी ते कंबल और ला दो, बहुत बहुत सर्दी लग रही है मुझे। जी नानी क्या हो गया था? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? और जो मैं फंस गई थी वो मैं डर गया था। हमारा क्या होगा भारी? अरे शादी होगी और क्या। तुम्हें पता है नानी ने बहुत झाड़ फैलाई है मुझे, कही थी सीधा सीधा रिश्ता लेके आएगा तो ठीक है वरना। अच्छा और अगर मैं तुम्हें भगा कर ले जाऊं तो फिर? नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकती, इज्जत लड़की हूँ। बहुत मुश्किल से फोन किया है तुम्हें, प्लीज अब बार बार फोन मत करना मुझे। अब फिर कब फोन करोगी? बाद में। ओके ओके मिस यू। लेकिन आके तो खोलो। मैं समझी अम्मी है। किससे बातें हो रही थी? कोई है? कौन? बस है कोई, मैं किसी को पसंद करती हूँ लेकिन तू अम्मी को मत बताना प्लीज। ओ कब से? बचपन से। बचपन से? यानी कि वो तुम्हारी पहली मोहब्बत हुई? और आखिरी भी, सच्ची अल्लाह की कसम। वेरी फनी। वैसे एमन ऐसा होता नहीं आज के जमाने में, क्योंकि पहली मोहब्बत की हमेशा हार होती। अल्लाह ना करे मैं तो इसी से शादी करूंगी, लेकिन तुम किसी को बताना मत प्लीज। मेरी फ्रेंड हो ना? फ्रेंड तुम्हारी? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम भी तो नहीं बताती ना जो मैं रात रात पर स्काइप पे बातें करती हूँ। बिल्कुल भी नहीं। गुड। पसंद करती हो उसे? नहीं, टाइम पास है। और वैसे भी जिसको मैं पसंद करती थी वो पता नहीं कहाँ गया। नानी को सर्दी लग रही होगी, मैं जा रही हूँ। ओके बाय। अम्मा इसे बच्चों की तरह जिद क्यों कर रही हैं? खाना पीना ही छोड़ दिया आपने तो। बस सब कुछ छोड़ने का वक्त आ गया है और मैं ये दिल का ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। अगर मैं मर गई तो एमन का क्या होगा? अल्लाह ना करे अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप। और रही बात एमन की, तो एमन की फिक्र मत करें, वो मेरी जिम्मेदारी है। नहीं भैया, जब तक एमन अपने घर की नहीं हो जाती ना मुझे चैन नहीं आएगा। हाँ नहीं होगा आपको। अच्छा दवा तो खाए ना, मेरे हाथ से भी खा लिया करें कभी। समरीन
तुमको कहीं जाना था ना? हाँ, मुझे कहीं जाना है, लेकिन ये लोग मुझे कहीं जाने नहीं दे रहे। तो ये सब लोग इतने ओल्ड फैशन है। तुम्हें काम क्यों नहीं करती? तुम मेरे साथ चलो। मैं? मुझे कौन इजाजत देगा? क्यों इजाजत नहीं देंगे? इन सब लोगों को तुम पे बड़ा भरोसा है, लेकिन मुझ पे नहीं है। तो तुम चलोगी तो कोई क्वेश्चन भी नहीं करेगा। ठीक है, पूछ के देख लो। बारी ने किया अपने गुस्से का इजहार, नानी ने भी किया एमन को खबरदार। एमन संभल गई क्या? ब्रेक के बाद। अरे नहीं नहीं, क्या उतर लूंगी मैं? नानी पहले आपकी तबीयत खराब है, आप रहने दें। आप लाए नानी, मुझे अपना हाथ दीजिए, मैं आपकी मदद कर लूंगा। ध्यान से, बहुत ध्यान से। हे अल्लाह, अब बस बैठ गई नानी। अभी आप बैठ जाएं, बस वॉच चल रही है जी। अब आप बस बैठ जाए, इधर आ जाए। जोया अमर, अंदर चलो। अरे अब, और तुम जरा इधर आओ। तुम्हारा दिमाग खराब है? केने लेकर बाहर आ गई हूँ। वो नानी का दिल घबरा रहा था, उनकी तबीयत। अरे दोस्त अंदर बैठे हुए हैं, क्या सोचेंगे वो? लेकर जाओ इन्हें यहाँ से। क्या कह रहा था? कुछ नहीं नानी, अंदर चलते हैं। हम आ जाए, अंदर चलते हैं। बस हमें देख कर यहाँ इज्जत में कमी आ जाती है ना इनकी। अरे मेरा बेटा, बस तुम्हारी अब शादी हो जाए तो इससे बड़ी चीज और क्या होगी? पता है तुम्हें, मेरी बेटी जो है बिल्कुल तुम्हारी उम्र की थी जब उसकी शादी हुई है। अच्छा? हाँ हाँ बिल्कुल। और ये मोहतरमा जो बैठी हुई है, ये जब पैदा हुई है 4 पाउंड की थी। इतनी मुन्नी सी, बारीक सी, छोटी सी चीज बिल्कुल। अगर हमारे घर में कोई जश्न का समा था और खाले तो बिल्कुल खुशी से पागल हो रहा था। माँ इसकी बहुत नेक औरत थी, बहुत अच्छी थी वो। इसका मिजाज बिल्कुल अपने बाप पे गया, खालिद की तरह की है ये। नहीं नहीं, समरीन भी बहुत अच्छी है। अच्छा दादी, और बताएं? और बताएं, बड़ा मजा आ रहा है भाई। इसकी जो पहली सालगिरह थी, क्या शानदार सालगिरह, क्या धूमधाम से हुई। इतना मजा आया, इतना हमने एंजॉय किया कि बस क्या बताएं। ये तो है, लेकिन ये जो 12th बर्थडे हुई थी वो मम्मा ने कोई ग्रैंड अरेंज की थी। इतने सारे लोग आए थे, इतने सारे सेलिब्रिटीज आए थे, और कौन था जो मेरी बर्थडे में नहीं था, और इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारी बर्थडे कैसी थी? मेरी छोड़ो, तो अपनी बताओ। आपने अम्मा और एमन को जाने को क्यों कहा आज? मेरे ख्याल है हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि हमारी प्राइवेसी में वो लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन खालिद अम्मा तो कदम भी नहीं रखती घर में। एमन तो यही होती है ना, काम काज करती है सारा दिन, पूरा घर संभाला हुआ है उसने। हाँ तो कोई एहसान तो नहीं करती ना वो, रहती भी तो यही है।
आप भी खालिद मदद हो जाती है मेरी। मैं खुश हूँ इस बात से बहुत ज्यादा। मैं भी बहुत खुश। अरे आओ बेटा आओ। अरे बच्चे अखबार लाई हो ना तो जरा मेरे कमरे से मेरी ऐनक भी ला दो। जी थैंक यू बेटा। ट्रेन में कैसी हीरा बेटी है तुम्हारी। अरे इसके बहाने से तो बच्चे मेरे कमरे में आ जाते हैं। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। बहुत अच्छी तरबियत की है सिद्दीका ने इसकी। वो तो है दादी। थैंक यू बेटा। और सुनो मेरी बात तुम भी सुन लो। मैंने ना समरीन के रिश्ते की बात की है एक जगह। कल आ रहे हैं लड़के वाले। अच्छे लोग हैं। उसकी लड़के की माँ किसी जमाने में मेरी स्टूडेंट होती थी। बड़े अच्छे और नेक लोग हैं। एमन भाई तुम्हारी जिम्मेदारी लगा रही हूँ मैं। बहुत तरीके से तैयार करके लाना तुम समरीन को। और हम चाय का अच्छा सा इंतजाम कर लेंगे साहब। हाँ हाँ मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब रहेगा। लेकिन भाई एमन मुझे तो तुम्हारे हाथ की चीज़ें चाहिए। ये बेकरी वेकरी की चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बस दादी आप बेफिक्र हो जाएं, सब काम अच्छे से हो जाएगा। और तुम थोड़ा वक्त अम्मा को भी दे दिया करो, सारा वक्त किचन में लगी रहती हूँ। अरे तुम पूछो ना, वो तो कल सारा दिन मेरे साथ होगी। बेटू जो सामान तुम्हें चाहिए हो ना वो लिखवा दो, मैं मंगवा दूंगी तुम्हें। ठीक है दादी। दाल तो है घर में, माश की दाल है, बस चने मंगवाने, कीमा और कुछ फ्रूट्स वगैरह। चलो ठीक है। ठीक है बस तुम लिख दो मैं मंगवा लूं। ठीक है भाई। MBA है लड़का, अच्छा लड़का है, अच्छे लोग हैं। मैं तो कहती हूँ दो बेटे होते तो कितना अच्छा होता। एमन की भी शादी में वहीं करवा दी, दोनों बहनें साथ साथ रहती। चलें कोई बात नहीं, बस एक बार खैरियत से समरीन अपने घर की हो जाए, फिर एमन की बारी है इंशाल्लाह। मैं समरीन को भी बता दूं। हाँ हाँ बिल्कुल उससे बात कर। समरीन तुम्हें पता है ना कल 2 बजे घर पे ही रहना। मेरी फ्रेंड के साथ कमिटमेंट है, आई कांट मेक इट। आप उनको परसों बुला लें। आप ही समझाएं इसे, आंटी ने सख्त ताकीद की है। जा बेटा जाओ, तुम जाकर सोचो, इट्स गेटिंग लेट। जाओ शाबाश। तो शाबाश जाओ, चेंज करो और अमर से भी कहो कि चेंज करे और बिस्तर में घुसे चले। नो मेरी नहीं सुनता, आप ही करो उसे। अच्छा मैं आ रही हूँ ना, आप जाओ चेंज तो करो। शाबाश जाओ जाओ जाओ। ये लो अपना टैबलेट। तुम कल घर पे ही रहोगी। ठीक कह रही हूँ भाई, मिलने में क्या हर्ज है। पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो नो वरीज। और वैसे भी अभी तो वापस आए हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमारा बहुत बड़ा सर्कल है, यू विल फाइंड समबडी नाइस। बट आई डोंट लाइक इट। मुझे इस तरह लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता। लेकिन दुनिया का तरीका यही है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। घर पे भी रहना और अच्छी तरह तैयार हो जाना, एमन हेल्प कर देगी। से एक बात है, बहुत स्वीट है एमन। तुम्हें सोना नहीं है? जा रही हूं। तुम हर वक्त काम करती रहती हो। हाँ तो और क्या करूं, फारिग बैठे बैठे भी दिल भर जाता है। और वैसे भी मेरे जिम्मे इतने सारे काम हैं, कल के सारे इंतजाम करने हैं और तुम्हें तैयार भी तो करना है। जी जी। एमन व्हाट इफ आई टेल यू कि मुझे कहीं जाना है। कहाँ? दोस्त से मिलने के लिए। क्या कह रही हो, दादी को बता दो। नहीं मैं दादी को नहीं बता सकती, क्योंकि दादी मेरे हर दोस्त को मेरा बॉयफ्रेंड समझती है। तो गलत बात है, तुम उसे पसंद करती हो क्या? पसंद करती हूँ नहीं, पसंद करती थी। और वैसे भी
मैं यूं गई और यूं आई, लेकिन तुम दादी को बिल्कुल भी मत बताना कि मैं यहाँ नहीं हूँ, ठीक है? नहीं भाई, इतना बड़ा झूठ मैं नहीं बोलूंगी, अम्मी तो मुझे मार देंगी। एक तो तुम अम्मी से डरती हो और ऊपर से किसी को पसंद करती हो। मैंने इतनी बड़ी बात तुम्हारे लिए छुपाई, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। Say yes, say yes, yes, yes. ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना। ओके, बाय बाय। सुन रही है डॉट एमन बेचारी, समरीन को भी करनी है शादी की तैयारी। ब्रेक के बाद एमन बेटा, तुम्हें फूफी की याद नहीं आई? बड़ी हौसला अफजाई की मामी ने, नौकरानी के साथ वाला कमरा जो दे दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, समरीन बहुत प्यारी है। नहीं, ये समरीन नहीं है, अति छोटी वाली है एमन। कल मैं अस्पताल गई थी, वहाँ जिब्रान भी रो रहा था, कह रहा था मैं एमन से माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। हाँ, वो अस्पताल गई है अम्मा को लेकर, शाम तक आएगी। कमाल करती हो वैसे तुम भी बेटा, अकेला भेज दिया उसको।